Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर किसी भी तरह की गड़बड़ होने की आकांक्षा के चलते चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, जिसके चलते आयोग की टीम जगह जगह पर बैरिगेट लगाकर वाहनों की चेकिंग भी कर रही है। और वहीं पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी के शमशान घाट के पास चेकिंग के दौरान एक बेलेनो कार से 10 लाख की नकदी बरामद की, जिसे थाने में जमा करा दिया गया है। पूर्वी दिल्ली के SDM राजीव कुमार ने बताया कि अब तक लगभग 62 लाख की नकदी बरामद की जा चुकी है। आइए सुनते हैं इस मामले में SDM राजीव कुमार ने क्या कहा। कल रात हमारी टीम भी शमशान घाट गीता कॉलोनी में पिकेट बेल लगा के चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान एक बालेनो कार से 10 लाख रुपये बरामद हुए, जिसकी वो सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे पाए, जिस वजह से उसे सीज कर लिया गया, थाने में जमा करा दिया। आगे का क्या इसका प्रोसीजर है सर? आगे इलेक्शन तक ऐसी कार्रवाई चलती रहेगी और कैद अगर जहाँ भी मिलते हैं उस पर ऐसी कार्रवाई करती है। अब तक आपके क्षेत्र में कितना पैसा? अब तक लगभग हमारे क्षेत्र में अराउंड 62 लाख बरामद हो चुके हैं कल की मिला के। कितने बार चेकिंग में सर? चेकिंग तो रेगुलरली हो रही है, मतलब ये 2 बार में या 3 बार में, कितने बार में? अब तक 4 बार पकड़े गए।